अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कचनार। उसके लिए जो हमें चीजें दरकार है वो है आपकी कचनार है आधा पाव, दही आधी प्याली, चिकन जो है वो भी तकरीबन आधा पाव, दरमियानी साइज की प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट एक एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी आधा चम्मच और देगी मिर्च जो है वो भी एक चाय का चम्मच, नमक हसबे जरूरत, तकरीबन दो खाने के चम्मच जो है ऑयल है और उसमें हम एक दरमियाने साइज की प्याज डालेंगे, उसको हम डाल करेंगे। हो सकता है आप लोग सोचो इतनी कम क्वांटिटी में, तो बात दरअसल ये है कि कचनार जो है वो सिर्फ मैं खाती हूँ, मुझे शौक है, बच्चे वगैरह को नहीं खाते हैं। दूसरे ये कि कचनार जो है आप पीने में भी बना सकते हैं और सारा कुछ प्रोसीजर जो है वो इसी तरह ही होगा, जिस तरह गोश्त का मसाला उसी तरह कीमे का मसाला। अभी हमारी प्याज लाल हो जाएगी तो इसमें हम फिर डालेंगे चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट। आज हमारी लाल हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम डाल देंगे चिकन और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया अच्छी तरह, फिर हम इसमें काफी मसाले डालेंगे। फिर अच्छी तरह फ्राई हो गई है, फिर हम डालेंगे बाकी के मसाले। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मुर्गी को फिर हम रख देंगे गलने के लिए और जब थोड़ी सी हाफ डन हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे दही, दही डाल के भूनेंगे और लास्ट में कचनार, क्योंकि कचनार को ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर हमारी हाफ डन हो गई और इसमें हम भूनेंगे दही। और दही डाल के इसको थोड़ा भूनने के लिए रखेंगे। ये हमारा मसाला जो है भून गया है, ऊपर देखिए ऑयल डाल दिया है। अब इस पे हम डाल देंगे कचनार और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे दम पे। कचनार को आप चाहें तो हल्का सा ब्लांच करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। ये हमारा चिकन कचनार जो है रेडी हो गया है। अब इसमें इस टाइम पे हम डालेंगे हरी मिर्चे, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और नींबू ऊपर से डाल के उसको एक 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। चिकन कचनार रेडी है, इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। चिकन कचनार रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट आने वाली रेसिपी को वेट कीजिएगा।